रांची के अटल स्मृति वेंडर मार्केट के दुकानदारों ने आज अपने एक अनोखा प्रदर्शन किया। अपने परिवार के साथ थाली कटोरा लेकर आज सड़क पर उतरे। पिछले 6 महीने से कोरोना काल को देखते हुए जो बंदी है, जिस कारण उनके परिवार भुखमरी के कगार पर है, उसको देखते हुए आज वेंडर मार्केट के दुकानदारों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। अपने दुकान के सामने वो लोगों ने थाली कटोरा लेकर अपने परिवार के और भूखे बच्चों के साथ बैठा। खोलने के लिए बोल रहे हैं। 5 महीना से बाद में हमने वापस किया तो खराब हो गया। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हो? अभी हमने 4-5 दिन से ये थाली और कटोरा लेकर बैठे हुए हैं। इसका क्या, इसका ये मतलब है कि देखिए, हम लोग पास तो मीडियम क्लास का आदमी ना, ये दुकान तो उसका चलता नहीं, मगर चलता है चल रहा था फुटपाथ में। तो फिर इधर 5 महीने बाद हम लोग खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है। साथ में किस कला से पढ़ती हो बाबू? क्या मांग आपकी सरकार से मांग है? सरकार बताएंगे हम क्या खाएं, क्या कहना है सरकार से आपका? आप एक बैनर लेकर बैठे हैं, बच्चे हमारे भूखे हैं, हम क्या करें, सरकार से क्या मांग है आप? हम लोग का मांग है कि 5 महीना लोग बंद से घर में बैठे हैं। हम लोग फुटपाथ में पहले लगाते थे, उसके बाद में नाम मिला है। अभी हम लोग को रोड में लगाने का भी यकीन नहीं है। हम लोग चाहते हैं सरकार से कि हम लोग को दुकान खोल दिया जाए, जो हम लोग अपना बाल बच्चा को अच्छा से खिला पिला सके, दो वक्त का रोटी ला सके। हम लोग कभी भुखमरी के कंगाल में आ गए। दुकानें तो और सब जगह खुल चुकी है, सिर्फ वेंडर मार्केट ही बंद है। अभी वेंडर मार्केट हम लोग फुटपाथ के दुकानदार तो है ही, अभी हम लोग का दुकान तो नहीं खुला है, बाकी दुकान तो खुल गया है। लेकिन कहना है कि बहुत बड़ा मॉल है, मॉल को कुछ अभी खोला नहीं जा रहा। हम लोग का मांग है कि हम लोग का वेंडर मार्केट खोल दिया जाए, जो हम लोग बाल बच्चा को इसका बदलत दूध कमा सकें। सरकार के तरफ से कुछ आश्वासन मिला है कि कब तक खुलेगा, या नगर निगम की तरफ से? अभी तो कुछ नहीं बोलता है, सुनने में आता है कि कहाँ नहीं खुलेगा। वो दिन का हम लोग का इंतजार रहता है, तो वही दिन हम लोग का दुकान खुलेगा। ये दिन भी नहीं खुलता है तो हम लोग का कर रहे हैं निराशा, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो जाए हम लोग का दुकान खोल दिया। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री प्रतुल सहदेव जी का कहना है कि सरकार वेंडर मार्केट के दुकानदारों के साथ न्याय नहीं कर रही है। आइए सुनते हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव इस पर क्या कहते हैं। देखिए, हमें लगता है ये राज्य सरकार अटल स्मृति मार्केट के जो दुकानदार हैं उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। अटल स्मृति मार्केट से कुछ ही दूर पर स्थित डेली मार्केट सातों दिन व्यवसाय करता है, वहां भी सैकड़ों दुकानें लगातार खुले रहती हैं, वहां प्रशासन बिल्कुल नहीं टोकता। लेकिन राज्य सरकार अटल स्मृति मार्केट को यह परमिशन नहीं देकर गलत कर रही है। इस मार्केट के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करके व्यापार को किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार दो तरह की नीति अपना रही है और यह बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, हमारी सरकार ने इस मार्केट का निर्माण करके इन फुटपाथ दुकानदारों को एक सम्मानजनक व्यापार करने का जगह देने का कार्य किया था। राज्य सरकार आज फिर इनको वापस फुटपाथ पर भेजने का कार्य कर रही है, जो कि बिल्कुल गैर उचित है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो कोरोना प्रोटोकॉल के सारे नियमों का पालन करते हुए इस मार्केट को खोलने की अनुमति दे। आगे की देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे पॉलिटिकल ट्रेंड से, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।